गुज़श्ता कल बनी के लवांग इलाके में समर सलाम वॉलीबॉल टूर्नामेंट का नवा एडिशन खेला गया। ये टूर्नामेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से मुनक्किद करवाया गया। इस टूर्नामेंट में 14 टीमों ने हिस्सा लिया। खेल का अच्छा मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों को मुख्तलिफ अजाजत से नवाजा गया। टूर्नामेंट का एमरजेंट प्लेयर से द वायरलेस नेटवर्क का एडिटर इन चीफ जाफर फरीद ने बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुआंग में मुनक्किद आज टूर्नामेंट में मुख्तलिफ खिलाड़ियों को मुख्तलिफ एजाजात से नवाजा गया। अभी जो खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं इनको इमर्जिंग प्लेयर के अवार्ड से नवाजा गया है। अभी हम इनसे बातचीत करेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में इनको इमर्जिंग प्लेयर के अवार्ड से नवाजा गया है। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। राजकमल। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज जो आपको जो ये ट्रॉफी दी गई है इमर्जिंग प्लेयर की हैसियत से? काफ़ी अच्छा लग रहा है और आज तक जितना भी मैंने सीखा है वो यहाँ पे जो हमारे नासिर भाई हैं उनकी वजह से ही सीखा है। उन्होंने जो है हमें फ़ोन कर करके, हमारा मन भी नहीं होता था खेलने का, बट हमें जो है कॉल कर करके बुलाया जाता था, तो हम आके वहीं पे सीखते थे। और जो भी अभी ट्रॉफी मिली है उनकी बदौलत से जो है अभी मिली है हमें। कितना वक्त हो गया आपको खेलते और कहाँ कहाँ आज तक आपने टूर्नामेंट खेला है? मुझे तो काफ़ी वक्त हो गया खेलते हुए। मैंने जो है अपने स्कूल में ही खेला हुआ है ज़्यादातर, बट यहाँ पे भी खेला हुआ है। स्कूल में भी मैं काफ़ी जगह गया हूँ, रीजन तक गया हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट में भी खेला है मैंने, और बाकी जो है यहीं पे सीखा अपने जो कोर्ट है यहाँ यहीं पे लुआंग के। और जो बाकी जो प्लेयर्स हैं जो आपके साथ खेलते हैं जो अभी आपके मुकाबले तक नहीं पहुँचे हैं, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको यही देना चाहेंगे कि अभी जो है प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मैन मेड परफेक्ट, प्रैक्टिस यही होगा जो कुछ भी होगा, प्रैक्टिस जारी रखो अपनी, तो हमसे भी बेटर बनेंगे वो। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक।